हेलो फ्रेंड्स, मैं मुनीश शर्मा फ्रॉम यूनिक कंप्यूटर्स रुड़की। आज हम फिर लेके आए हैं जो हमारा टैली का नया रिलीज आया है, रिलीज 3.0। इसके अंदर आप GSTR 2A कैसे रिकनसाइल करेंगे, लेकिन रिकनसाइल से पहले हमें ज़रूरी होता है GSTR 2A जो हमारा है वो हमें डाउनलोड करना, और वो हमें मिलता है हमारे पोर्टल से। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे ही हम पोर्टल पर जाते हैं, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये मेरा पोर्टल है। तो यहाँ पे आप रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे। रिटर्न डैशबोर्ड में आप जब जाएंगे तो यहाँ ये आपको दिखाएगा कि आपको कौन से फाइनेंशियल ईयर का GSTR 2A डाउनलोड करना है। तो अभी हम करंट का करते हैं और ये हम अक्टूबर में चलते हैं। अक्टूबर पे जाते हैं और यहाँ सर्च पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारा GSTR 1, 2, 3, 2B और 3B आता है। तो यहीं पे आप इसको 2A को व्यू कर सकते हैं डायरेक्टली और डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो ये बोलता है जनरेट जेसोन फाइल टू डाउनलोड। तो अभी क्या है, ये मैंने जैसे 20 मिनट पहले इसको क्लिक किया था, तो इसलिए इसमें एक ये फाइल बनी हुई है। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मेरी जो फाइल डाउनलोड होगी, ये हमेशा याद रखिएगा, सेम नाम से डाउनलोड होगी। एक GST से जितनी भी फाइलें डाउनलोड होती हैं उन सब का नाम बिल्कुल सेम रहता है। वो किसी भी मंथ की हो, वो अक्टूबर मंथ की हो, नवंबर मंथ की हो, जनवरी मंथ की हो, किसी भी महीने की फ़ाइल डाउनलोड होगी वो हमेशा सेम नेम से होगी। तो इसको आपको ना तो रीनेम करना है और ना इसके अंदर किसी तरह का बदलाव करना है। ये जो फाइल डाउनलोड हो रही है, अगर आपके सिस्टम में विनरार डला हुआ है तो ये आर्चीव के नाम से दिखाएगा, और अगर आपके सिस्टम में विनरार या विनजिप नहीं है तो ये जेसोन फाइल दिखाएगा। तो इसका ना आपको नाम चेंज करना है, ना किसी तरह का इसको एक्सट्रैक्ट वगैरह करना है, इसको आपने सिर्फ डायरेक्ट डाउनलोड करना है। ओके, इस तरीके से ही अभी मैं आपको दूसरी फाइल दिखाता हूँ। इसमें हम दोबारा से अक्टूबर से दिसंबर में गए और ये मैंने नवंबर की डाउनलोड की। फिर से डाउनलोड पर क्लिक किया और फिर से जेसोन फाइल डाउनलोड पे क्लिक किया, तो ये मेरी दूसरा फाइल भी जनरेट हो गया है। तो ये भी सेम नेम से होगा। ये देखिए, ये बिल्कुल सेम नेम से डाउनलोड हो रहा है। मेरी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जिस महीने के भी मैं डाउनलोड करूँगा वो 1, 2, 3, 4 ऐसे डाउनलोड होती रहेंगे, लेकिन उनके नाम 03/03/2023, यानी कि मार्च की 3 तारीख को मैंने इसका रिक्वेस्ट फाइंड किया था इसको जेसोन फाइल बनाने के लिए और डाउनलोड करने के लिए। तो वही डेट इसके अंदर आएगी। ओके, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि इससे पहले क्या ऑप्शन आता है। अगर आपकी ये जेसोन फाइल नहीं बनती है तो उससे पहले ये ऑप्शन आता है। जैसे मैं अभी आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर, अभी हम चलते हैं हम फरवरी खोलते हैं और इस पर क्लिक करते हैं सर्च पर, और हम जाते हैं यहाँ डाउनलोड में। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, अभी मैं जिस फाइल पे भी क्लिक कर रहा था वो मेरी डाउनलोडेबल थी, लेकिन अभी मैं क्लिक करता हूँ तो ये लिखा हुआ आ गया है, योर रिक्वेस्ट फॉर जनरेशन जेसोन एक्सेल फाइल टू डाउनलोड इज एक्नॉलेज्ड एंड द प्रोसेस मे टेक अप टू 20 मिनट्स टू कम्प्लीट। ये 20 मिनट के लिए, अभी आपकी फाइल लगेगा इसको 20 मिनट डाउनलोड होने के लिए। तो 20 मिनट बाद आप जब दोबारा इस पे रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सेम वैसा ही आएगा जैसे मैंने अभी अभी डाउनलोड किया है। तो अब हम अपनी ये फाइलें टैली में कैसे खोलेंगे इसको देखते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टैली। फाइलें डाउनलोड किए हैं उनको हम टैली में कैसे इम्पोर्ट करेंगे और कैसे अपने GSTR 2A रिकनसाइल करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले GSTR डिस्प्ले रिपोर्ट्स में जाना पड़ता है, और इसके बाद हमारा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स आता है, और यहाँ GST रिपोर्ट्स। ये हमारा GSTR 2 हो गया है। यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि हमें फरवरी की देखनी है। तो जैसे ही हमने इंपोर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे हम गए, और यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन होता है इम्पोर्ट में, GST रिटर्न। तो GST रिटर्न पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा GSTR 1 को चेक करना है या GSTR 2 को चेक करना है। तो यहाँ हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे हमने जैसे ही एंटर किया तो मेरे पास, जैसे मैंने आपको बताया था, इनका सबका नाम सेम होगा, इसमें कोई भी डिफरेंस आपको दिखाई नहीं देगा। सिर्फ जिस डेट को आपने क्लिक किया है डाउनलोड के लिए
वो डेट इसके अंदर मेंशन होके आएगी, और बाकी ये पीरियड इसका सिर्फ हमें यहाँ दिखाई देगा, अदरवाइज फाइल नेम में हमें कहीं पे भी कोई पीरियड नहीं दिखाई देता है। तो आप फाइलों को डाउनलोड करते रहिए, यहाँ ये अपने आप देख लेगा कि 12वें महीने की कौन सी है, 10वें महीने की कौन सी है, 11वें महीने की कौन सी है। अभी हम फिलहाल 10वें महीने की सेलेक्ट करते हैं और इसको ओके करते हैं। तो ये दिखा रहा है टोटल ट्रांजेक्शन्स 36 थी और 36 की 36 इम्पोर्ट हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ मेरे पास अभी कोई भी बदलाव मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे पीरियड चेंज करना है और यहाँ डालना है अक्टूबर। तो जैसे ही मैंने, ठीक है, तो अभी हम जो दिखाना चाह रहे हैं वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि पहले हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं था कि हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि एक साथ 5 या 6 महीने की या 12 महीने की GSTR 2A अपलोड कर सकते हैं टैली में। लेकिन अब हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये दिखा रहा है अक्टूबर महीने की 36 इनवॉइस अभी अभी अपलोड हुई हैं। तो हम इसे दोबारा इंपोर्ट करेंगे और दोबारा से GSTR 1 में जाएंगे और फिर से हम यहाँ क्लिक करेंगे और अब हम नवंबर की भी ले लेते हैं। इसमें हमारे पास 49 ट्रांजेक्शन्स हैं, तो हम इसको ओके करेंगे, लेकिन अभी ये यहाँ पे नहीं आई हैं। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे नवंबर, ओके, तो ये नवंबर में आ गई है, ओके। और मैं अगर दोनों महीने की एक साथ करना चाहता हूँ, अक्टूबर एंड नवंबर, तो ये दोनों महीनों की इकट्ठी होके 36 और 49 टोटल हो गया है। अभी हम एक महीना और है हमारे पास, हम पूरा दिसंबर भी ले लेते हैं। तो यहाँ हमने दिसंबर ले लिया है, ओके, तो ये हमारी दिसंबर की भी अपलोड इसके अंदर हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी जो अभी तक प्रॉब्लम आ रही थी GSTR 2A को रिकनसाइल करने का, उस इशू को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बाकी ये रिकनसाइल कैसे होंगी, कैसे आप इसके मिसमैच को हटाएंगे, ट्रांजेक्शन्स जो हैं इनको आप कैसे ठीक करेंगे, कैसे ये सारे इशू सॉल्व आउट करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।